हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 24 अपनो राजस्थान में। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के, बेसिकली आपके पास रीट के एग्जाम में, एलडीसी का एग्जाम या जो भी एग्जाम है जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली वहाँ पे आपके पास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो बेसिकली 6 से 10 और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पुराना आपके पास पैटर्न था 6 से लेकर 10 तक का, वो भी बेसिकली हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। आज जो क्वेश्चन नंबर हो रहा है वो है 171। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? कैरोलस लीनियस ने ऐसा किया था, अरस्तु ने किया था, डार्विन ने किया था या वीटेकर ने किया था? क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ लीजिएगा, क्या है कि जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंड, ठीक है, वर्गों क्या करना है, वर्गीकरण और उसका वैज्ञानिक मापदंड है, उसका प्रयोग सबसे पहले करने वाले जो वैज्ञानिक है वो कौन से हैं आपके पास? तो क्या नाम है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरस्तु ने ऐसा सबसे पहले किया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ रहा है? बी आ रहा है। ओके, चले बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि द्विजगत पद्धति के अनुसार जीवों को वर्गीकृत किया गया है। देखिए, मोनेरा व प्रोटेस्टा में, प्रोटेस्टा व प्लांटी में, ठीक है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं कि प्लांटी या एनिमिलिया में या प्रोटेस्टा या एनिमिलिया में। तो देखिए, जब हम द्विजगत पद्धति की बात करते हैं तो जितने भी आपके पास जीव आते हैं, बेसिकली पहला जो पार्ट है मोनेरा या प्रोटेस्टा की बात करें तो शैवाल वगैरह बेसिक आपके पास आ जाएंगे। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है वो क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर है कि प्लांटी और एनिमिलिया में इस तरीके के जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है? सी। आगे बढ़िएगा। स्टेरॉइड्स होते हैं भाई, स्टेरॉइड आपके पास सरल सिंपल लिपिड्स होंगे या संयुक्त होते हैं या व्युत्पन्न होते हैं या कोई नहीं। तो जब भी हम स्टेरॉइड्स की बात करते हैं तो स्टेरॉइड आपके पास क्या होते हैं? व्युत्पन्न लिपिड होते हैं, जो सेकंड पार्ट में आपके पास बेसिकली बनते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर जा रहा है। डन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है कि निम्न में से सरल गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? देखिए, जब ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं, मानव शरीर में कौन सा प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन। कैरेटीन की हम बात करते हैं तो हमारे बालों में क्या है? कैरेटीन है। एक्टिन हो गया, फाइबिन हो गया। तो यहाँ पे जब सरल और गोलाकार प्रोटीन की बात की जा रही है तो सरल और गोलाकार प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन होता है, ठीक है, सरल और गोलाकार, बिल्कुल। कैरेटीन तो फिर भी आपके पास थोड़ा सा शेप में रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है? इसका एक करेक्ट आंसर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास कि प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की इकाई आपके पास ग्लूकोज होती है, वसा अम्ल होती है, ग्लिसरीन होती है या अमीनो अम्ल होती है? क्या पूछा है? प्रोटीन की इकाई के लिए पूछा है। तो प्रोटीन की इकाई आपके पास क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। और प्रोटीन के संश्लेषण की बात करें तो कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ रहा है? बी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है, डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है? एडेनिन नहीं होता है, ग्वानिन नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है या थाइमिन नहीं होता है? तो जब डीएनए की आप बात करें तो डीएनए में यूरेसिल क्षार नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन रहा है? सी बन रहा है। ओके, डन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 177 है कि आरएनए का मुख्य कारण क्या होता है? आरएनए का मुख्य कारण आनुवांशिक लक्षणों का संचरण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जैविक क्रियाओं का नियमन होता है या ताप का नियंत्रण होता है? क्वेश्चन क्या पूछा है कि आरएनए का कार्य क्या है? तो अभी अभी मैंने बोला था आरएनए का कार्य क्या हो जाएगा भाई? आनुवांशिक लक्षणों का संचरण तो किसके द्वारा होगा भाई? जीन के द्वारा हो रहा है ना। और आरएनए के क्या कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, क्लियर है, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण होगा, राइबोसोम वहां पर प्रेजेंट रहेगा। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ हो जाएगा? आरएनए का मुख्य कार्य। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया है? बी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, चक्रीय, असंतुलनीय, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? उच्च स्तर से निम्न स्तर। हम क्या बात करते हैं? ऊर्जा का प्रवाह कैसा है? उच्च स्तर से कहाँ पर होता है? निम्न स्तर पर होता है, ठीक है। उच्च स्तर से कहाँ हो गया? निम्न स्तर पर। इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होगा तो इसका डायरेक्शन तो बन ही रहेगा। चक्रीय की बात करेंगे तो सब तरफ थोड़ी ना होगा, उच्च से निम्न मतलब एक ही दिशा की ओर जाता है। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा हो गया है? एक दिशीय ही ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्लियर है, डन है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि निम्न में से किसमें प्रकाश रासायनिक क्रिया के व्यवधान के कारण रेड ड्रॉप प्रक्रिया होती है? पीएस वन में होती है, फेज वन में, या पीएस टू में हो जाएगी, या आपके पास कैरोटीनाइड्स में होती है, सभी में? जब करेक्ट आंसर की हम बात करें, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकाश रासायनिक क्रिया में रेड ड्रॉप प्रक्रिया, ठीक है, तो वो कहाँ पे होती है? आपके पास पीएस टू में होती है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोकार्बन एवं इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? जीवाणु में जब भी प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हाइड्रोकार्बन और इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, वो ग्लूकोज होता है, H2S होता है, या फिर अमोनिया होता है आपके पास, या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर की जब हम बात करेंगे तो वो कौन होता है, H2S होता है। ओके, डन है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बात करें कि पाइरूवेट अम्ल किसका अंतिम उत्पाद है? देखिए यहाँ पे क्रैब्स चक्र दे रखा है आपको, इलेक्ट्रॉन अभिगमन का तंत्र दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस आपको दे रखा है, या ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे दे रखा है। तो जब हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो पाइरूवेट एसिड किसका अंतिम उत्पाद होगा, लास्ट आपके पास क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का ही आपके पास अंतिम उत्पाद क्या होता है, पाइरूविक एसिड होगा। डन है, क्लियर है, आगे बढ़े, क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 6th to 12th वाले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि ईटीएस में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होता है? ईटीएस की बात करें, उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या ग्राही कौन सा हो जाएगा, एफईडी होगा, या एनएडी हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन होता है, या फिर ऑक्सीजन होता है? जब हम करेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर आपके पास जाता है, कि ईटीएस में जो अंतिम ग्राही इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। डन है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को शारीरिक संगठन का स्तर पाया जाता है वो कोशिकीय कोटि का होता है, जीवद्रव्य कोटि का होता है, या ऊतक अंग कोटि का होता है, या अंग तंत्र कोटि का होता है? जब करेक्ट आंसर की बात करेंगे, यहाँ क्या है, प्रोटोजोआ संघ, ठीक है, इसमें जंतुओं का जो शारीरिक संगठन का स्तर पाया जाता है वो कैसा होता है, प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, जीव द्रव्य, तो कोटि भी कैसी हो जाएगी, जीव द्रव्य कोटि का ही होता है, कोशिकीय नहीं होगा। ऊतक अंग कोटि की बात करेंगे तो ऊतक अंग कोटि में तो कौन चले गए, ह्यूमन चले गए ना, ठीक है, फिर उसके बाद में अंग तंत्र बनता है, तो यहाँ पे तो कौन हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, मानव हो जाएगा, ठीक है, मानव हो जाएगा या एनिमल्स हो जाएंगे। डन है, क्लियर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है, जीव द्रव्य कोटि इसका करेक्ट आंसर बन गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि जीवों को प्रोटोजोआ व मेटाजोआ में वर्गीकृत करने का आधार क्या होता है? सममिति होता है उसका आधार, विदलन होता है, कोशिकाओं की संख्या होती है, या शरीर का, ये शरीर लिखा हुआ है, ठीक है, या ये शरीर का आकार होता है। क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है आपके पास कि जीवों को प्रोटोजोआ व मेटाजोआ में वर्गीकृत करने का आधार क्या होता है? अगर आप प्रोटोजोआ में ले रहे हो या मेटाजोआ में ले रहे हो तो इसका आधार क्या होता है कि इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी है, बेसिकली वो इसका आधार होता है, तो सी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। शरीर का आकार वहाँ डिपेंड नहीं कर रहा, विदलन या सममिति मतलब सिमिट्री होना भी वहाँ पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सब जीव क्या होते हैं, आकृति और आकार में अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सेलेंट्रेटा संघ के प्राणियों के शारीरिक संगठन की कोटि होगी वो जीव द्रव्य होती है, कोशिकीय होती है, ऊतक अंग होता है, या कोशिका ऊतक स्तर होता है? अब किसकी बात करें, सेलेंट्रेटा की बात करें। पहले प्रोटोजोआ की जब हमने बात की थी तो क्या हो गया था, जीव द्रव हो गया था। जब सेलेंट्रेटा संघ की आप बात करेंगे, देखिए ऊतक अंग स्तर तो मानव में चला गया, ठीक है, आप जीव द्रव्य की बात करेंगे तो जीव द्रव्य के लिए करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास, प्रोटोजोआ में जो आ रहे। अब सेलेंट्रेटा संघ वाले जो है वो सेलेंट्रेटा वाले कहाँ चलेंगे, कोशिका ऊतक स्तर में चलते हैं, तो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो गया, डी। वापस मैं कह रही हूँ, इसके लिए क्या हो गया भाई, प्रोटोजोआ हो गया, ऊतक अंग स्थल किसके लिए हो गया, ये मानव के लिए हो गया, तो इसके लिए क्या हो रहा है आपके पास, सेलेंट्रेटा हो रहा है, कौन हो रहा है, सेलेंट्रेटा इसके लिए बन रहा है। क्लियर है, डन है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हम बात करें टैपवर्म में शारीरिक संगठन का स्तर पाया जाता है, किसकी बात करें, टैपवर्म में, अब भाई ऊतक अंग होता है, अंग तंत्र होता है, जीव द्रव्य कोशिकीय, तो अभी अभी जीव द्रव की बात की थी, अभी तो लिखा था मैंने भाई क्या था, प्रोटोजोआ, ठीक है,
ऊतक अंग की बात कर रहे हैं, करेक्ट आंसर यहाँ देख लीजिएगा, टैपवर्म की बात करें शारीरिक संगठन, तो क्या हो गया है ऊतक अंग, तो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या जा रहा है, ए जा रहा है। क्लियर है, डन है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे कि रक्त है, रक्त क्या है आपके पास, एक उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, या कोई नहीं। तो जब आप ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ब्लड आपके पास क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या आप कॉम्बिनेशन वाला या संयोजी जिसको हम कह रहे हैं, तो संयोजी ऊतक आपके पास क्या होता है, रक्त होता है। और रक्त किस तरीके से पाया जाता है, भाई तरल ऊतक में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, बेसिकली तरल ऊतक में शामिल होता है, तो संयोजी तो है रक्त, लेकिन किस तरीके का होता है आपके पास, तरल ऊतक की कैटेगरी में ये होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास, कि वह पेशी जो कभी नहीं थकती है, उस पेशी को आप क्या कहते हैं, अरेखित पेशी कहते हैं, हृदय पेशी कहते हैं, रेखित पेशी कहते हैं, या उपरोक्त सभी। तो ऐसी पेशी जो कभी नहीं थकती है उसको हम क्या कहते हैं, रेखित पेशी उसको कहा जाता है। तो रेखित पेशी जो कभी भी नहीं थकती है, आप इसको याद रखिएगा, हृदय पेशी अरेखित तो इसमें नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या है, सी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिकाक्ष पर उपस्थित संकुचित स्थानों को क्या कहा जाता है, रानेवियर के नोड्स हम उनको कहते हैं, श्वान के नोड कहते हैं, दुमाशय कहते हैं, या अंतर्ग्रथन कहा जाता है। तो जो तंत्रिकाक्ष पर उपस्थित संकुचित स्थान होगा ना, बेसिकली इस तरीके से हम बनाते हुए चलते हैं, ठीक है, तो तंत्रिकाक्ष पर जो संकुचित स्थान होगा उसको हम क्या कहते हैं, रानेवियर के नोड कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है इसका, ए, डन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है, दृष्टि पटल में पाई जाएगी, मस्तिष्क में पाई जाती है, दुमाशय में पाई जाती है, या अंतर्ग्रथन में पाई जाती है। तो देखिए क्या बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको यहाँ पे कि एक ध्रुवी तंत्रिका, और एक ध्रुवी तंत्रिका के लिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दृष्टि पटल हो जाएगा। देखिए अब दृष्टि पटल से रिलेटेड हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, पहले भी आपके पास आया था, दृष्टि पटल को हम क्या कह रहे थे भाई, आंख का कैमरा कह रहे थे ना, दृष्टि पटल क्या था आपके पास, आंख का कैमरा था। क्लियर है, समझ आ रहा है यहाँ तक, डन है। चलिए तो दृष्टि पटल तो क्या हो गया है, आपकी आंख का कैमरा हो गया। एक बार इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ये एक ध्रुवी तंत्रिका है, तो ये तो क्या हो गया भाई, हमारा कैमरा हो गया। मस्तिष्क की आप बात करें तो मस्तिष्क में सीधा ही क्या हो गया, दो तीन कैटेगरी आपके पास हो गई कि कैसा कैसा हो गया, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, एक क्या हो गया है, पश्च मस्तिष्क, ठीक है, अग्र हो गया, पश्च हो गया, और मध्य हो गया, तीन कैटेगरी हो गई, ठीक है। अबला गेंटा कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, पीयूष ग्लैंड की बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, ठीक है, और ये क्या हो गया है, मध्य मस्तिष्क हो गया है। चलिए इसके बाद में यहाँ मैं लिख रही हूँ हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने बराबर, ठीक है। अब जब दृष्टि पटल की बात हुई तो उसको हम क्या कह रहे हैं, नेत्र, नेत्र का क्या कह रहे हैं, कैमरा कहा जाता है। तो ये कैसा होता है, एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिका इसके अंदर पाई जाती है। क्लियर है, डन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मज्जायुक्त तंत्रिका, किसकी बात कर रहे हैं, मज्जायुक्त तंत्रिका का आवरण होता है, भाई वो मज्जा जो आपके पास बनी हुई, बोन मैरो की बेसिक हम बात करें, वो प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, या उपकला का होता है, तो किसका बना हुआ रहता है आपके पास, फैट का बना होता है, किसका बना होता है, फैट का बना होता है, ठीक है। जो फैट का बेसिक हम बात करें, हमारी बॉडी को जो पूरी की पूरी सुरक्षा, हमारी बॉडी को जो सुरक्षा प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है, फैट प्रदान करता है बेसिकली। तो जो मज्जायुक्त तंत्रिका है उसका आवरण कैसा हो, किसका हो जाएगा, वसा का होता है, फैट का होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ रहा है, बी आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट तो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, 72 से 79% एनर्जी हमारी बॉडी को वो देता है। क्लियर है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमीबा में संकुचन रिक्तिका का क्या कार्य है भाई? पोषण होगा, श्वसन होगा, पराशरण, नियमन या जन्म का कार्य होता है। तो अमीबा में जो संकुचनशील रिक्तियां हैं उनका कार्य किसका होता है? पराशरण और नियमन का होता है। देखो पोषण की स्थिति नहीं, श्वसन और जन्म की स्थिति नहीं रहेगी क्योंकि वो तो सारी एक कोशिकीय है, जन्म में उसी के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होकर वो आगे बनती ही जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पराशरण और नियमन इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है कि एमोइब का क्या अर्थ होता है? अत्यंत सूक्ष्म प्राणी को हम एमोइब कहते हैं, सरलतम प्राणी को कहते हैं, परिवर्तनशील प्राणी को कहा जाता है, या कूट पादों की उपस्थिति को कहा जाता है। तो एमोइब किसको कहा जाता है? फटाफट आंसर कर दीजिए। अत्यंत सूक्ष्म प्राणी को कहते हैं, परिवर्तनशील प्राणी को। तो एमोइब किसको कहा जाता है? जो चेंज हो सकता है, ठीक है? तो परिवर्तनशील प्राणी को हम क्या कहते हैं? एमोइब कहते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके पास? डन है, तो 139 क्लियर हुआ है। एमोइब क्या होता है आपके पास? परिवर्तनशील प्राणी को क्या कहा जाता है? एमोइब कहा जाता है। डन है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन इसमें कोशिका चक्र का सही क्रम कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जब भी हम कोशिका चक्र की बात करते हैं तो सबसे पहले जी फेज आता है आपके पास। कौन सा फेज आएगा? G1, जो फर्स्ट स्टेज होता है। उसके बाद में क्या आता है? एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, और फिर क्या आता है? एम फेज आता है। तो किस तरीके से होगा? सबसे पहले G1 फेज होगा, G1 फेज हो गया। उसके बाद में एस फेज होता है, फिर कौन सा फेज होता है? G2 फेज होता है, और उसके बाद में कौन सा फेज होता है? M फेज होता है। इस तरीके से क्या होता है आपके पास कोशिका चक्र का? ये करेक्ट है, इस तरीके से ये कंडीशन आपके पास बनी रहेगी। तो ये आंसर आपको कहीं मिल रहा है S G1, ये तो नहीं होगा इसका आंसर। S पहले आ गया, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, G1 S G2। हाँ, तो ये थर्ड वाला इसके लिए करेक्ट आंसर जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ओके क्लियर है? तो सबसे पहले जीवन होगा, जीवन हो जाएगा, फिर एस होगा, फिर G2 होगा, फिर एम फेज होगा। तो इस तरीके के फेजेस आपके पास कोशिका चक्र के ये सही क्रम आते हैं। डन है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह पदार्थ जो स्तंभ शीर्ष में उत्पन्न होकर वृद्धि को नियंत्रित करता है, स्तंभ शीर्ष में उत्पन्न होकर वृद्धि को नियंत्रित करेगा, आप उसको एंजाइम कहते हैं, विटामिन कहते हैं, ऑक्सीन या भौतिक पदार्थ, तो क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास कि वृद्धि हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन की जब हम बात करें वो सदैव वृद्धि वर्धक होते हैं या फिर वो सदैव वृद्धि को रोकने वाले होते हैं, वृद्धि को प्रेरित करने वाले होते हैं, या कुछ वृद्धि वर्धक होते हैं या कुछ वृद्धि को वर्धक होते हैं? चलिए तो सबसे पहले वृद्धि हार्मोन की बात करेंगे। तो वृद्धि हार्मोन निकल रहा कहाँ से आपके पास? कहाँ से निकल रहा है? ये पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से निकल रहा है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी आप इसको कह रहे हैं। क्लियर है? चलिए इससे जो हार्मोन निकल रहा है, अब देखिए अलग अलग इस तरह आपके पास बनेंगे किस तरीके के। पहली कंडीशन तो क्या है, यदि हार्मोन का स्रावण ज्यादा हो रहा है, मतलब हार्मोन क्या हो रहा है? ज्यादा स्रावित हो रहा है। तो ज्यादा स्रावित होने की कंडीशन में वृद्धि क्या होती है? ज्यादा होगी, मतलब इंसान कैसा हो जाएगा? लंबा होगा, ठीक है? मतलब मेरी हाइट तो अच्छी खासी है, तो मतलब मेरे अंदर जो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला है वो क्या है? बहुत अच्छा खासा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो हार्मोन है वो क्या होना चाहिए? कम स्त्रावित हो। हार्मोन यदि कम स्त्रावित होता है, कम, बहुत कम, जितनी उसकी मात्रा चाहिए उससे कम हो रहा है, तो व्यक्ति कैसा रह सकता है? बौना रह जाता है। व्यक्ति कैसा रह जाएगा? बौना रह जाएगा। तीसरी कंडीशन देखिए कि हार्मोन अगर सही मात्रा में निकल रहा है तो उसकी लंबाई क्या होगी? सही होगी, ठीक है?
सही अनुरूप में क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई होगी। तो बेसिकली क्या है कि वो सदैव वृद्धिवर्धक होंगे। भाई सदैव वृद्धिवर्धक होने का मतलब क्या है कि हार्मोन बहुत ज्यादा स्रावित होना चाहिए, उस कंडीशन में तो वो सदैव क्या हो सकता है, वृद्धिवर्धक हो सकता है। लेकिन ये स्थिति नहीं बनती है। वृद्धि रोधक मतलब हमेशा क्या हो, हार्मोन क्या होना चाहिए, बहुत कम रिलीज होना चाहिए, मतलब इंसान कैसा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। ठीक है, वृद्धि को प्रेरित करने वाले, तो भाई कुछ तो ऐसे होते हैं जो वृद्धि को प्रेरित करने वाले होते हैं और कुछ क्या होते हैं, उसको प्रेरित नहीं करते, रोकने वाले होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कुछ तो वृद्धि रोधक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, वृद्धिवर्धक होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, फोर्थ इसके लिए करेक्ट आंसर जा रहा है। डन है, क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा नारियल दूध कारक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नारियल दूध कारक। तो जब भी आपने देखा होगा अभी वाला जो टाइम है, ठीक है, अभी जो रक्षाबंधन के आसपास नारियल तो आता ही है। ठीक है, तो नारियल को जब भी आप अलग करेंगे, बेसिकली उसको फोड़ेंगे, तो उसके अंदर से एक पानी निकलता है। ठीक है, व्हाइट कलर का जो बेसिकली, या वो पानी का तो कलर कैसा होगा, वो धीरे धीरे जब सूखता जाता है तो पूरा नारियल अंदर वाला व्हाइट बन जाता है और पानी सिर्फ व्हाइट आपके पास रंगहीन हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा नारियल दूध का कारक नहीं है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऑक्सिन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, एबिसिसिक एसिड दे रखा है। फिर क्या है, साइटोकाइनिन है। फिर मॉर्फेक्टिन दे रखा है। सबसे पहले हम किसके लिए, पहला जो ऑप्शन है उसके लिए बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन तो क्या करता है, वृद्धि करता है शाखा और पत्ती में। ठीक है, ऑक्सिन का कार्य क्या है, वृद्धि करने का कार्य इसका। ठीक है, कोई भी पेड़ की बेसिक हम बात करें शाखा या पत्ती है तो उसमें वृद्धि का कार्य कौन करता है, ऑक्सिन करता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है एबिसिसिक एसिड। एबिसिसिक एसिड तो क्या होता है, बीज। ठीक है, बीज को रोकने का या बेसिक वो कार्य, तो ये तो किसका कार्य हो गया, एबिसिसिक का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मॉर्फेक्टिन। मॉर्फेक्टिन आपके पास क्या होता है, मॉर्फेक्टिन की कंडीशन में क्या होता है कि शरीर की जो एनाटॉमी पर काम करना या पौधे की वृद्धि की कमी के बारे में बताना, तो वो मॉर्फेक्टिन होता है। तो इसके लिए मैं लिख रही हूँ कि शरीर की, या बेसिकली एनाटॉमी में इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, एनाटॉमी पर कार्य करना, या दूसरी हम बात करें तो दूसरे क्या है, पौधों की वृद्धि में कमी भी इसकी वजह से होती है। पौधों की वृद्धि में कमी भी किसकी वजह से होती है आपके पास, मॉर्फेक्टिन की वजह से। नेक्स्ट आपके पास क्या है, साइटोकाइनिन। जब हम साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो बेसिकली साइटोकाइनिन का कार्य क्या है कि जो आपके पास नारियल है जो दूध कारक है, मतलब साइटोकाइनिन की वजह से क्या हो जाता है, वो सफेद हो जाता है। किसकी वजह से, साइटोकाइनिन की वजह से ही क्या हो जाता है, वो सफेद होगा। क्लियर है, डन है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, साइटोकाइनिन। मैं यहाँ लिख रही हूँ सफेद और ये क्या हो गया है भाई, दूध। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है, थर्ड। समझ आ गया, ऑक्सिन वृद्धि करने में जो भी शाखा है या पत्ती, एबिसिसिक एसिड की हम बात करें तो बीज में हो जाएगा, मॉर्फेक्टिन की बात करें तो एनाटॉमी पर कार्य करना या पौधे की वृद्धि में कमी के लिए क्या होता है, मॉर्फेक्टिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें क्या मिल गया है, साइटोकाइनिन मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है कि ट्रांस जैविक पादपों का उपयोग किसी विशिष्ट रसायन के उत्पादन में जैविक फैक्ट्री के रूप में करना क्या कहलाता है। देखिए क्वेश्चन शुरुआत में देखिए क्या है, ट्रांस जैविक पादपों का उपयोग किसी विशिष्ट रसायन के, मतलब ऐसे पादप आपने लिए हैं जिनका उपयोग विशिष्ट रसायन के उत्पादन में कहाँ किया जाता है, जैविक फैक्ट्री में किया जाता है। इस मेथड को आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग कहा जाता है, ऑपरेटर जीन्स कहा जाता है, मॉलिक्यूलर मैपिंग कहा जाता है, या उसको शुष्क कृषि कहा जाता है। जब हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए क्या हो रहा है, जैविक खेती हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मिंग का मतलब क्या है, कोई एक आपने पादप ऐसा ले लिया है जो केमिकली बहुत सारी क्वांटिटी क्या कर रहा है, वहां पे बना रहा है, तो हम बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, जब आपको लॉन्ग क्वांटिटी, या लॉन्ग तो नहीं कहूंगी मैं इसको, क्या कहेंगे, जब आप लार्ज क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब हम लार्ज क्वांटिटी की बात करते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी ट्रांस जैविक पादप है उनको किसी विशिष्ट रसायन के उत्पादन में हम वो कंडीशन बनती जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर, एक के बाद एक बेसिकली चैन, वो मॉलिक्यूलर फार्मिंग हो गया, एक के बाद एक चैन से वो इस तरीके से बनता जाता है। तो इस तरीके की फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहा जाता है।
ठीक है, क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1A इसके लिए करेक्ट आंसर जा रहा है। डन है, क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि काइमेरिक डीएनए है, किसकी बात करें? काइमेरिक या कहीं कहीं इस तरीके से सी डीएनए भी इसको हम कहते हैं, सी डीएनए है। क्या होता है भाई ये? आरएनए जिसमें यूरैसिल होता है, आरएनए से संश्लेषित जो डीएनए है उसको आप काइरामिक डीएनए कहते हैं, या पुनर्नियोजित डीएनए को कहा जाता है, या उपरोक्त सभी को कहा जाता है। तो जब हम करेक्ट आंसर किसकी बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? काइरामिक सी डीएनए। सी डीएनए मतलब एक डीएनए बन गया, दूसरा उसका क्लोन बन रहा है। क्लोन मतलब बनने का मतलब वो पुनर्नियोजित हो रहा है वापस से, ठीक है? रिप्रोडक्शन की हम बात करें, वापस नियोजन की, रिबॉन्डिंग की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया है आपके पास? करेक्ट आंसर क्या हो गया है? काइरेमिक डीएनए क्या होता है? एक पुनर्योजी डीएनए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है इसका? सी करेक्ट आ रहा है। क्लियर है? डन है। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉली भेड़ किस प्रकार प्राप्त की गई। भाई ये डॉली भेड़ किस तरीके से बन रही है? कि थन कोशिका मतलब कायिक कोशिका को केंद्रक रहित ओसाइट से संयुक्त करवाकर क्लोनिंग के द्वारा आपने प्राप्त किए, या युग्मन की क्लोनिंग के द्वारा प्राप्त किए, या ऊतक संवर्धन के द्वारा प्राप्त किए, या कोई नहीं। तो पहले कोई नहीं को सबसे पहले हटा दो, ठीक है? अब दो ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन है कि थन कोशिका मतलब कायिक कोशिका को केंद्रक रहित करना है, तो हाँ भाई ये स्थिति करनी है, और उस साइट से संयुक्त करवाकर ये भी करना है क्लोनिंग के द्वारा, या युग्मक की क्लोनिंग के द्वारा ये आपके पास होगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि थन कोशिका कायिक कोशिका को केंद्रक रहित करना है, और उस साइट संयुक्त करवाकर उसको क्या करना है? क्लोनिंग करना है। तो कंडीशन तो यही बनेगी, युग्मक की क्लोनिंग की यहाँ पे कंडीशन नहीं होगी। देखिए पहले जब हम इसकी बात करें किस तरीके का, एक बार इसको समझ लीजिए, एग्जाम्पल किस तरीके का है, बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके का। जब डॉली भेड़ की बात की गई थी, दो तरीके की भेड़ ली गई थी, ठीक है? एक भेड़ करीब करीब हम मान रहे हैं कि वो 6 साल की थी पहली, ठीक है? और जो ये फर्स्ट वाली भेड़ है, दूसरी भेड़ जो आपने एक भेड़ आपने दूसरी, ठीक है, उसको करीब करीब हम मान लेते हैं 2 या 4 4-5 साल के, ठीक है? चलिए तो पहली जो 6 साल वाली भेड़ थी उसको आपको क्या करना है? इसकी स्तन ग्रंथि लेनी है। तो यहाँ पे क्या आ गया? कायिक कोशिका आ गया, थन ग्रंथि, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या लिया? इसकी थन ग्रंथि ली। थन ग्रंथि का मतलब इसकी आपने क्या ली है? कायिक कोशिका ली है, पहली कंडीशन तो, ठीक है? ये इसके साथ साथ ही इसके पैलर में चलता जा रहा है। सेकेंड वाली जो भेड़ है आपके पास, सेकेंड वाली भेड़ का आपने क्या लिया? अंडा लिया है, और उस अंडे के अंदर क्या है? आपका केंद्रक विद्यमान नहीं है। सेकेंड वाली जो भेड़ है उसका आपने क्या लिया है? अंडा लिया है, और अंडे में केंद्रक विद्यमान नहीं है, केंद्रक रही। सेकेंड वाली भेड़ का आपने अंडा लिया है, और उस अंडे में क्या है? केंद्रक नहीं है। तो बात यही आ गई ना, केंद्रक रहित है। अब दोनों को आप एक साथ ले रहे हैं, ठीक है? इसका तो क्या हो गया है? बेसिक आपके पास एग हो गया, ठीक है? इसका भी आपके पास क्या हो गया? एग हो गया। अब आपको क्या करवाना है? इनको एक साथ क्या करवाना है? इनका युग्मन करवाना है, या युग्मन करवाना है, या एक जगह बेसिकली पेयर में हम इनको लेना है। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन से क्या बनी है आपके पास? डॉली भेड़ बनी है। तो जो फर्स्ट है इसके लिए करेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर है? डन है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास? कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, कौन करता है? स्पाइरोगायरा करता है, वॉल्यूक्स करता है, कैलोरेला करता है, या नॉस्टॉक करता है? तो देखिए सबसे पहले हम बात करें, जो पहला ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझिए क्या होता है। जब हम बात करते हैं वायुमंडल में, तो वायुमंडल में स्वतंत्र जब हम N2 के यौगिक की बात करेंगे, तो अमोनिया और अमोनिया अम्ल उनको अलग होना, ठीक है, बेसिकली वो क्या कहलाता है? नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसकी, तो देखिए एजोबैक्टर आपके पास हो जाएगा, एनीबिना आपके पास इसका एग्जाम्पल होता है, और जो दूसरा एक और एग्जाम्पल है वो यहाँ पे दे रखा है, वो क्या है? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक आपके पास क्या होता है? नील हरित शैवाल होता है। क्या होता है? नील हरित, ये क्या होता है? नील हरित शैवाल होता है, ठीक है? तो भाई नील हरित शैवाल तो क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है? डन है। अब देखें दूसरा बात है, क्लोरेला ये भी करेगा आपके पास, वॉयलॉक्स भी करेगा, जो ठीक है करेक्ट आंसर है। स्पाइरोगायरा की जब हम बात करें, तो स्पाइरोगायरा आपके पास क्या है? शैवाल है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता, ये शैवाल है,
ठीक है, तो भाई ये तीन तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये मैंने सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया था, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वॉलियक्स की, बात करें वो भी नहीं करेगा, क्लॉडेला है वो भी नहीं करेगा, स्पाइरोगायरा है, शिवाल है वो भी नहीं करेगा, तो जो नौ स्टॉक दे रखा है वो नील हरिच्छेवाल है, जो क्या करता है आपके पास इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, करेक्ट है। तो डन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, आपके पास क्या है क्वेश्चन, स्पाइरोलाइना किस जगत से संबंधित होता है, ठीक है। वो आपके पास मोनेरा से संबंधित है, कवक से है, प्लांटी है, या एनिमिलिया से, तो कहाँ से है, प्लांटी से वो संबंधित है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए कि आयोडीन प्राप्त की जाती है, आयोडीन का देखिए पहले प्राप्त करने की कंडीशन आपके पास कैपल से, क्लोराल से, या आपके पास फ्लाइसोसाइनिया से होगा, या पोराफाइरा से होगा, तो करेक्ट आंसर हम किसकी बात करेंगे, क्लाप्स के, क्लियर है। तो बेसिकली ये आज हमने साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे, क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।